जी हाँ, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक बस कोशिश यही थी मेरी कि पेशेंस के साथ जो है खेलता रहूं, एंड तक मैच को लेके जाऊं, ताकि ये है कि क्योंकि 250 स्कोर रन बॉल ही रन चाहिए थे ऑलमोस्ट, तो कोशिश ये थी कि साथ साथ खेलता रहूं, साथ साथ खिलाता रहूं, ताकि ये है कि एंड तक मैच लेके जाया जाए। जब एंड तक मैच गया तो एक होप नज़र आई है, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने भी मदद की और खेलते रहे बस बॉल टू बॉल, और इसका रिजल्ट नहीं, मैच जीतने की ज़्यादा खुशी होती है। ऑफ कोर्स 100 जो है वो होते रहते हैं, वो तो चलता रहता है, लेकिन इससे मुझे ज़्यादा टेंशन ये थी कि मैच जो है ना वो जीतना चाहिए, तो कोशिश यही थी कि मैं जो है जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही खेलता रहूँ। और एक बड़ा अच्छा एक जिस तरह से प्लान बनाया हुआ था टीम ने कि पेशेंस लूज़ नहीं करना, एंड तक फ़ाइट करनी है, और वही हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मैच जीते। बिल्कुल, हमारा जितना भी कोचिंग स्टाफ है बहुत मेहनत कर रहा है। ऑफ कोर्स जो है क्योंकि हमारे नेशनल टीम में काफ़ी प्लेयर्स चले गए थे, तो जितने कोचिंग स्टाफ हैं हेड कोच के साथ मिलकर जो है पूरा प्लान किया जा रहा है, प्लेयर्स को पूरी अवेयरनेस दी जा रही है कि पेशेंस के साथ जो है क्रिकेट खेली जाती है, और स्पेशली कराची में जब क्रिकेट हो रही होती है तो यहाँ पर पूरा पेशेंस चाहिए, बॉल टू बॉल खेलना चाहिए, और बॉलिंग फील्डिंग और सब पर बड़ी मेहनत हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में भी है अच्छे तरीके से जो है वो फिनिश किया जाए।